ंगशन द प्राइड ऑफ पाकिस्तान चैप्टर नंबर फोर आज हम उसमें करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिए थ्री वर्ड्स यूज होते हैं एट इन और पहले हम देखते हैं कि प्रापोजिशन की डेफिनेशन क्या है प्रापोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज बिफोर अजो नाउन कनेक्टिंग इट टू अनादर वर्ड प्रेपोजिशन जो है वो एक वर्ड है जो नाउन या नाउन फ्रेज या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है और ये दूसरे वर्ड से कनेक्ट करता है जोड़ता है हमें टाइम के बारे में जो हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं लिंक करता है वेन वी आर टाकिंग अबाउट टाइम वी यूज इन एट एंड ऑन जब हम वक्त के बारे में बात करते हैं तो हम तीन वर्ड्स यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन के तौर पर इन एट और ऑन इन इज़ यूज फॉर मंथ्स यर्स डिकेड्स सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इन जो है वो महीनों के लिए सालों के लिए दस सालों के लिए सौ सालों के लिए और लंबे दुरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे इन सिक्सटीन ईयर्स टाइम इन नाइनटीन नाइनटी वन और इन डिसम्बर यानी लंबा दुरानिया हो तो उसके लिए हम इन यूज करते हैं प्यारे बच्चों इसी तरह हमारी जिंदगी गुजर रही है वक्त अल्लाह ने कुरान मजीद में वक्त की कसम खाई है वाल आश्रल इंसान खुस बेशक इंसान खसारे में है ए लीना आमन वम सालिहाती वास व बे सब सिर्फ वही लोग बचे हुए हैं जो अमले सौ ईमान लाते हैं अमले सौलिया करते हैं और एक दूसरे को हक और सब्र की तलकिन करते हैं तो अम, अमन जो ईमान है वो अमले साले के बग़ैर फ़ायदा नहीं देगा तो आज से अपने ऊपर लाजिम कर लें कि हम मुसलमान हैं तो हमने झूठ नहीं बोलना और एक दूसरे को हक के ऊपर रहने की तलकिन करनी है और सब्र से काम लेना जैसे इन द इवनिंग पार्ट्स ऑफ द डे इन द मिडल ऑफ द नाइट क्योंकि चौबीस घंटे का दिन और रात होता है तो ये भी पार्ट ऑफ द डे इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ये भी जो है टाइम ऑफ द ईयर है तो हमने इन कियापेसिफिक डेज एंड डेट्स जब मखसूस दिन और मखसूस डेट का इस्तेमाल करते हैं तो ऑन इस्तेमाल करते हैं जैसे ऑन फ्राइडे खास दिन है जुमे का ऑन अप्रैल नाइन हमने महीने का एक ख़ास दिन चुन लिया तो उसके लिए हम ऑन इस्तेमाल ऑन हिज ग्रेजुएशन डे जब आपको डिग्री मिलती है तो उसको ग्रेजुएशन डे कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन आपको भी डिग्री मिलेगी स्पेसिफिक डेज हैं फिर है ऑन जनवरी एटीन जनवरी के महीने में सख्त सर्दी होती है कुछ जगहों पे बर्फ़बारी भी होती है तो हमने जनवरी का एक दिन चुना तो हमने स्पेसिफिक डेट मखसूस डेट के साथ इसको किया तो हम इसको ऑन लें इसी तरह एट इज़ यूज फॉर प्रिसाइज टाइम्स कैसे एट टेन थर्टी एम एट एट ओ क्लाक एट बेड टाइम जब हम स्पेसिफिक मखसूस टाइम यूज़ करते हैं तो हम एट लगाते हैं एट ब्रेकफास्ट नाश्ते का टाइम सोने का टाइम एट ओ क्ला टेन थर्टी एम एट फाइव ओ क्लॉक तो इसमें हमने टाइम ऑफ द डे स्पेसिफिक यूज़ किया एट डिनर टाइम जब हम खाना खाने का टाइम है तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और वी हैव लंच नून नून कहते हैं जब दिन के बारह बजते हैं उस वक़्त हम दोपहर का खाना खाते हैं तो इसमें स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हमने एट यूज़ किया आई हैव मीटिंग एट नाइन ए एम मेरी मीटिंग है सुबह के नौ बजे तो ये भी टाइम ऑफ द डे स्पेसिफिक तो हमने इसलिए ऐड किया दे गो टू द बीच इन समर तो टाइम ऑफ द ईयर है तो इसलिए हमने इनका इस्तेमाल किया दे वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग तो सुबह के वक्त वो जाते हैं तो हमने इनका इस्तेमाल द टेस्ट इज ऑन वेनसडे खास हफ्ते का दिन है तो हमने स्पेसिफिक मखसूस डे इसके लिए ऑन इस्तेमाल करें वट डिड यू डू ऑन ईद लास्ट ईयर तो ये भी स्पेसिफिक डे है तो हमने ऑन यूज उम्मीद है आपको प्रापोजिशन ऑफ टाइम की समझ आई होगी इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें